आओ सूरज, मैंने तुम्हें पूछा था कि 21 तारीख की रात को ठीक 12:45 पर तुम कहां थे, और तुमने जवाब दिया था कि मुझे कुछ याद नहीं। अपन बोला था ना साहब, आप जो पूछेगा अपन बता देगा। तुम क्या बताओगे, मैं बताता हूं। अपनी बाईं तरफ देखो, उल्लू के पट्ठे साले। हाँ, ये वही उल्लू के पट्ठे हैं जिनके लिए तुमने फाइल चुराई थी, और मैंने इन तक पहुंचने के लिए तुम्हें भागने का मौका दिया। हाँ, ये फाइल गौर से देखो इसे। ये वही फाइल है ना जो तुमने मेरे घर से चुराई थी। लेकिन अफसोस, तुम्हारी चोरी इनके कोई काम नहीं आ सकी, क्योंकि ये फाइल नकली है। असली फाइल तो पुलिस रिकॉर्ड रूम के सेफ में। भान गए साहब, आप दिलेर भी हैं और होशियार भी, लेकिन अपन पर मर्द आदमी है क्या? अपन अपने जुर्म से इनकार नहीं करेगा? लो, गिरफ्तार कर लो साहब, कर लो साहब। ना सूरज, मैं तो तुम्हें सिर्फ अपनी और कानून की पहचान कराना चाहता था। मेरे घर से फाइल चोरी करके तुमने एक तरह से मेरी मदद की। मैंने तो खुद तुम्हें फाइल ले जाने का मौका दिया, मुझ पे हाथ उठाकर तुमने कोई जुर्म नहीं किया। मैंने खुद तुम्हें हाथ उठाने पर मजबूर किया था, क्योंकि मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि जो लोग वर्दी पहनते हैं उनके बाजू में वर्दी की इज्जत निभाने की ताकत भी होती है। जुर्म और मुजरिम जहां भी हो, मेरे हाथ उनको दबोचना अच्छी तरह जानते हैं। देखा साहब, देखा, आप जो कुछ दिखाना चाहते हैं ना अपन अच्छी तरह से देख लिया साहब। लेकिन अब मैं तुम्हें चोर के रूप में ना देखूं, ये पाप की दुनिया छोड़ दो, क्योंकि आज के बाद चोरी करते हुए पकड़े गए तो माफी नहीं सजा मिलेगी, समझे? समझ गया साहब, बिल्कुल समझ गया। लेकिन साहब, अपन का दिल में एक छोटा सा बात आया है, बुरा ना माने तो बोल दूं? हाँ बोलो साहब। जितनी इज्जत, जितना प्यार आपको अपनी वर्दी से है ना साहब, उतना ही प्यार अपन को चोरी के धंधे से है साहब। अपन चोरी से तौबा नहीं कर सकता। हाँ, आपको पूरा अधिकार है कि आप अपन को रंगे हाथ पकड़ कर अंदर कर दो। लेकिन साहब, अभी ऐसा होएगा नहीं। सूरज आपको अच्छी तरह से समझ गया है, अभी अपन आपका चक्कर वक्कर में आने वाला नहीं है साहब। क्या बच्चे चैलेंज कर रहे हो? नहीं साहब नहीं, अपन छोटा सा चोर, अपना क्या वैल्यू कि हम आपको चैलेंज करेगा। आपने अपना पहचान करवाया, हमने अपना पहचान करा दिया। साहब आप कानून की दुनिया का नैला है ना, तो अपन पन पाप की दुनिया का छोटा सा दहला साहब।